सीसीडी की सफलता की कहानी। अपने पिता से 5 लाख रुपए से लेकर कारोबार शुरू करने वाले वीजी सिद्धार्थ के सीसीडी को कामयाब ब्रांड बनाने के पीछे 23 साल की मेहनत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस सफर को अंजाम दिया। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। 23 साल पहले सीसीडी की शुरुआत जुलाई 1996 में बेंगलुरु की ब्रिगेड रोड से हुई। शुरुआत में कॉफी शॉप को इंटरनेट कैफे के साथ खोला गया। उन दिनों युवाओं को इंटरनेट के साथ कॉफी का मजा खूब अच्छा लगा। युवाओं को अपने शहर में सीसीडी कैफे खूब पसंद आए। ये यूथ के लिए हैंगआउट स्पॉट बन गया, जहां वो कॉफी के सिप के साथ दोस्तों से बातचीत करते और लुत्फ उठाते। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस हुआ कि सीसीडी ने कॉफी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। शुरुआत के कुछ सालों में सीसीडी ने कुछ कॉफी कैफे खोले और अब ये देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन बन गई है। आज देश ही नहीं, विदेश में भी सीसीडी कैफे हैं। देश के 247 शहरों में सीसीडी के 1798 कैफे हैं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जन्मे सिद्धार्थ का नाता ऐसे परिवार से है जो लंबे समय से कॉफी बिजनेस से जुड़ा था। उनके परिवार के पास कॉफी के बागान थे जिसमें महंगी कॉफी उगाई जाती थी। यहाँ से उन्हें सीसीडी का आइडिया आया। 90 के दशक में जो कॉफी दक्षिण भारत और 5 सितारा होटल्स में चलन में थी, उसे उन्होंने आम लोगों तक पहुँचाने का मन बनाया। उन्होंने परिवार से मिली इस विरासत को अपना सहारा नहीं बनाया और मंगलुरु यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री ली। वो बाद में मुंबई आ गए और जेएम मॉर्गन स्टैनली में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम की शुरुआत की। यहाँ से उन्होंने शेयर बाजार की अच्छी समझ को डेवलप किया। मुंबई से मंगलुरु लौटने पर पिता ने उन्हें 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उन्हें अपने फैमिली बिजनेस में वापस लौटना होगा। सबसे पहले उन्होंने सीवान सिक्योरिटीज के नाम से फाइनेंशियल कंपनी शुरू की, जिसका नाम बाद में वे टू वेल्थ सिक्योरिटीज लिमिटेड हो गया। ये कंपनी देश की बड़ी फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बनी। इसके बाद सिद्धार्थ ने कर्नाटक में कॉफी बिजनेस शुरू किया। उन्होंने घरेलू और ग्लोबल स्तर पर कॉफी बेचना शुरू किया। उनकी कॉफी ट्रेडिंग कंपनी एमालगमेटेड बीन कंपनी ABC का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ हो गया। परिवार में कॉफी के प्रति गहरी समझ के कारण ही उन्होंने 1996 में कैफे कॉफी डे की शुरुआत की। उनका ये बिजनेस बेहद सफल रहा और वो देश में कॉफी किंग के नाम से मशहूर हो गए। कंपनी के पास आज 1750 कैफे हैं। भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, कराची, दुबई और चेक रिपब्लिक में भी कंपनी के आउटलेट है। सीसीडी के अलावा उन्होंने माइंड्री, ग्लोबल टेक्नोलॉजी वेंचर्स लिमिटेड, डार्क फॉरेस्ट फर्नीचर कंपनी, SICAL लॉजिस्टिक्स में भी निवेश किया। सिद्धार्थ के जुनून और बिजनेस में गहरी समझ के कारण आज सीसीडी 4000 करोड़ से भी ज्यादा नेटवर्थ वाली कंपनी बन गई है। तो ये थी कैफे कॉफी डे की सफलता की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।